इंशाल्लाह अगला सवाल माइक से लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई लड़का किताबो सुन्नत के तरीके से अगर निकाह करना चाहता है तो उसके वालदेन उससे राज़ी नहीं होते, उसके ख़ानदान वाले उससे राज़ी नहीं होते, वो अकेला हो जाता है और सारा ख़ानदान सारा मुआशरा अलग हो जाता है, तो एक नामुमकिन सा हो जाता है निकाह। आखिर में उसे प्रेशर में आके उसी तरह से निकाह करना पड़ता है जैसा घर वाले करवा रहे हैं, थोड़ी शर्तें घर वाले मानते थोड़ी ये मान लेता है, हो जाता है। अब कई कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि वालदेन पूरे राज़ी हो जाते हैं लेकिन लड़की वाले ऐसे निकाह के लिए राज़ी नहीं होते। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा निकाह करेंगे हम लोग सादगी में चुपचाप से तो लोग कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमी थी मेरी बेटी में या हम लोगों में, इसलिए हमने खामोशी में निकाह करवा के भेज दिया, तो वो धूमधाम से शादी करवाना चाहते हैं। तो ऐसे किताब व सुन्नत के ज़रिए हम निकाह कर रहे हैं तो ऐसे निकाह को आसान करने के लिए क्या हल है अभी इस ज़माने के लिए, एक उसके लिए थोड़ी सी आप बताइए। भाई ने एक सवाल किया कि लड़का किताब सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहता है या लड़की किताब सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहती है, कभी इधर के ख़ानदान वाले और कभी उधर के ख़ानदान वाले। लड़की वाले बोलते हैं ऐसा नहीं चलेंगे हम तो सब करेंगे, लड़के वाले बोलते हैं जिसमें निकाह में ताखीर होती है एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ता है, काफ़ी मेहनतें करना पड़ती हैं उन लोगों को, तो इस मामले में क्या करें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि निकाह चूँकि एक ऐसा अमल नहीं है कि आप इंफरादी कर लेंगे, सारा समाज शामिल होता है और बहुत सारे गुनाह ऐसे जो समाज की वजह से इंसान को करना पड़ता है एक फ़र्ज, इसीलिए कहा जाता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पूरा समाज आपको मजबूर कर देता है, तो निकाह भी वैसे ही समाज मजबूर कर देता है। लिहाजा इस केस में क्या करें, अपने घर वालों की पहले से इस्लाह करते आए। जैसा कि आपको पता है कि आपके घर में ये रसूमात खुराफात बिदतें बुराई होती है, तो आप शुरू से ही अपने घर वालों की इस्लाह करते हुए आए, मतलब जैसे आपको पता है शादी होंगी दो तीन साल, ताकि उनका माइंडसेट रेडी हो जाए कि ऐसी शादी करना, प्लस आप जिनसे रिश्ता जिनके पास भेजिए उनका भी माइंडसेट रेडी करें कि देखिए आप ये समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मजबूरी में नहीं कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किताब व सुन्नत के मुताबिक कर, मैं इसलिए कह रहा हूँ फुलाए लोग तो ये कहते रहेंगे क्या नहीं कहा लोगों ने, समझाइए। ये पहले से प्रिपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी आपने सब कुछ किया, आपके जिम्मेदार भी राजी नहीं उनके भी नहीं है, तो आप मजबूर है, तब आप क्या कीजिए, चूंकि आप मजबूर है अल्लाह से आप तौबा कीजिए, अल्लाह मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये आपकी मजबूरी है, वालिदैन का काम है बच्चों की बात माने, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे बड़ा बच्चे आजीज आ जाते हैं तो लिहाजा ये आप मजबूर है, अल्लाह इंशाल्लाह आपकी नीयत को देखेगा और नीयत के अतबार से बरकत देगा। लेकिन अगर आप पहले से करना शुरू करना माइंड प्रिपेयर तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ जहाँ 100 गलतियाँ करने वाले थे 50 करेंगे, 50 करने वाले थे तो 25 करेंगे, अगर पहले से तैयारी हो इंशाल्लाह तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल हो सकती है। अचानक आप करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत टफ है, चूंकि रीत रिवाज को बदलना इंसानों के लिए सबसे मुश्किल जाता है, जो चला आ रहा है बहुत मुश्किल जाता है, तो लिहाजा इसको पहले से अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं अगर इतने लोग ही तय कर ले शादी निकाह शुरू हो जाए तो एक सिस्टम बनेगा, आज 100 करेंगे कल 200 करेंगे 10-20 साल में 500, 1000, 2000 और हो सकता है एक शहर पूरा ऐसा सिस्टम अपना ले कि ऐसा काम करे, तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना है। आज आप नहीं कर सके तो फिर इसके लिए रेडी होना, जब आप अपने बच्चों ही करेंगे तब रेडी रहना इंशाल्लाह कि मैं अब इनके किताब और सुन्नत के मुताबिक करूंगा, वरना ऐसा ना हो कि तब आप मजबूर थे आपने कर लिया, फिर आप बड़े हो गए बच्चों को बोल रहे नहीं अब मैं मजबूर हूँ समाज से तुमको ऐसा करना होगा, ऐसा मत कीजिए, कहीं ना कहीं तो एक फुल स्टॉप लगा कि हमको शुरुआत करना होगी, चाहे आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके बच्चों की जो भी हो सकता है। अल्लाह ताला जो है हम तमाम को सादे निकाह करने की बहरहाल तौफीक अता फरमाए जो कि सुन्नत के मुताबिक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।